ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक अगेन टू चैनल। सो मुझसे जो पहली बार मिल रहा है तो मैं हूँ शिखा और चैनल का नाम है एक्सप्लोर लाइव विद शिखा। सो गाइज, सबसे पहले तो जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे जो क्या होगा कि चैनल सब्सक्राइब एंड जो भी शिखा नई वीडियो डालेगी वो आप तक पहुँच जाएगी और आप अच्छी सी वीडियो को देख पाएंगे एंड एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही साथ गाइज लाइक भी कर दे करो वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट कर पाऊँ। सो आज की जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो फाइनली आज शॉपिंग हॉल करा है, कतरन मार्केट शॉपिंग हॉल, जो मैंने फैब्रिक कतरन मार्केट से परचेज़ किए थे। एज ए प्रॉमिस यू कि मैं शेयर करूँगी आपके साथ जब वो स्टिच होकर आ जाएंगे। सो उनमें से कुछ मेरे सूट्स जो हैं स्टिच होकर आ गए हैं और अभी एक दो सूट जो है टेलर के पास पड़े हुए हैं। सो जब वो स्टिच होकर आएंगे तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल जो 3-4 सूट स्टिच होकर आए हैं सो उनका मैं आपको आज दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से स्टिच कराए और कैसा उनका लुक आया। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। पहला जो मैंने फैब्रिक लिया था ये वाला था, ये देखिए इस तरीके से प्रिंटेड कॉटन का फैब्रिक है और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। देखिए काथा वर्क के साथ है, जैसे आजकल काथा आप देख रहे हैं बहुत ही ट्रेंडिंग है। सो इस तरीके से ये सूट बना है और जो ये योक पे डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये मैंने यूज़ करवाया है, जो प्लाजो मेरा था उसका मैंने ये ऊपर योक पे डिज़ाइन बनवाया, साथ में पाइपन लगवाई है। एंड स्लीव्स पर भी आप देख सकते हैं, स्लीव्स पर भी इसी तरीके से ये प्लाजो का फैब्रिक यूज़ करके डबल पाइपन के साथ इस तरीके से ये मैंने तैयार करवाया। देखिए ये पूरा सूट हो गया एंड ये वाला आप देख सकते हैं ये है इसका प्लाजो। सो ये देखिए प्लाजो पर भी पूरा आपको काथा वर्क मिल रहा है आप देखिए, और कलर कॉम्बिनेशन इतना यूनिक है मुझे लगा और मतलब बहुत सुंदर लग रहा था पहनने के बाद। तो इसके लुक आहा क्या कहने यार, बहुत मज़ा आ गया पहन के। एक तो कॉटन का फैब्रिक है, बिल्कुल समरिश है, बिल्कुल मुझे गर्मी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगती है पहनने के बाद। और ऊपर से आप देख रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइनिंग आप देखिए कितनी यूनिक है, कितना प्यारा फैब्रिक है। सो ये मैंने लिया था कतरन मार्केट से, शॉप नंबर 529 अमित भैया की शॉप से मैंने परचेज़ किया था। सो बताइएगा आपको ये सूट मेरा कैसा लगा। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फैब्रिक कैसे लगे और डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी। सो चलिए अब दिखाते हैं हम आपको अपना दूसरा वाला जो मैंने स्टिच करवाया है। सो ये वाला भी काथा वर्क के ऊपर मिल रहा है और ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैं थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेती हूँ। सो देखिए ये वाला मेरा दूसरा फैब्रिक है आप देख सकते हैं। सो ये भी अगेन काथा वर्क के साथ मैंने लिया, मुझे ना इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही डिफरेंट लगा था और पहनने के बाद तो यार बहुत सुंदर लगा सच में सीरियसली। सो मैंने इसको बनवाया है बोट नेक और प्लस स्लीवलेस मैंने इसको बनवाया है आप देख सकते हैं। तो जो स्लीवलेस बनवाया है यहाँ पर मैंने पाइपिंग लगवाई है इस तरीके से एंड जो मैंने बनवाया है इसका बॉटनेक तो उस पर भी इस तरीके से देखिए पाइपिंग का पूरा डिज़ाइनिंग करी हुई है। सो बिल्कुल सिंपल सोबर एलिगेंट लुक वाला ये फैब्रिक है आप देख सकते हैं और ये इसकी देखिए कुछ इस तरीके से लुक है। डिज़ाइनिंग आप देखिए बहुत सुंदर है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है और पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। अब इसकी बात करते हैं बॉटम की। सो इसमें मैंने बनवाई है सलवार, ये इस तरीके से खादी कॉटन के ऊपर ये मैंने सलवार बनवाई है नीचे इस तरीके से जो होती है, क्योंकि समर्स में मुझे सलवार काफ़ी कंफर्टेबल लगती हैं और मतलब एक आजकल ना जैसे पंजाबी सूट्स चल रहे हैं तो लॉन्ग सूट के साथ सलवार बहुत ही डिफरेंट लगता है, यूनिक लगता है, बहुत ही क्लासी लुक देता है। सो ये वाला है दूसरा फैब्रिक। सो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ कि आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो देखिए अगेन ये ब्यूटीफुल सा फैब्रिक आप देख सकते हैं। सो ये मैंने बनवाया है पूरा गैदर्ड कुर्ती बनवाई है, जो आजकल फ्रॉक वाली कुर्तियाँ, ए लाइन कुर्तियाँ, गैदर्ड कुर्तियाँ कुछ भी बोल सकते हैं। सो ये मैंने इस तरीके से बनवाई है आप देख सकते हैं, पिंक कलर के ऊपर ये इस तरीके से आप देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और इतना सुपर फैब्रिक है ना ये गाइस, मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना इतनी कम है। इसमें से इतना सा भी कलर ब्लीड नहीं हुआ, मैंने इसको वॉश कर लिया है दो बार, मैंने इसको इवन वॉश कर लिया, एक बार मैंने स्ट्रेच कराने से पहले, एक बार स्ट्रेच कराने के बाद दो बार मैंने इसको वॉश करा, इतना सा भी कलर नहीं गया। प्योर लीलन के ऊपर ये फैब्रिक है आप देख सकते हैं, बैक साइड से भी आप देखिए इस तरीके से इसका कुछ लुक है और पूरा ए लाइन गैदर्ड कुर्ती मैंने इसकी बनवाई। आप इसका घेर देखिए कितना सुंदर इसमें मतलब फिनिशिंग के साथ मतलब पूरा इसमें घेर बना है। इसको भी मैंने स्लीवलेस बनवाया है और इस तरीके से मैंने ये देखिए कॉलर वाला इसका नेक बनवाया आप देख सकते हैं। सो कॉलर के ऊपर ये जो बॉटम का फैब्रिक है वो यूज़ करा है और साथ में ये इसमें डिज़ाइनिंग करी गई है पोटली बटन के साथ एंड स्लीवलेस बनवाया है उसके आप देख सकते हैं यहाँ पर शोल्डर के ऊपर ये पाइपिंग का यूज़ करा है जो हमने मैंने बॉटम बनवाया उसके साथ। सो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है पहनने के बाद, तो बहुत यूनिक मतलब बहुत ही डिफरेंट लग रहा था, बिल्कुल एलिगेंट क्लासी लुक वाला फैब्रिक है
और समरिश फैब्रिक है, गर्मी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगी मेरे को पहनने के बाद। और बैक साइड से भी देखिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड अब इसका बॉटम आप देख सकते हैं, ये देखिए। सो बॉटम भी देखिए, बॉटम मैंने मतलब ये इसके ऊपर मैंने खुद से मिक्स एंड मैच किया था, क्योंकि इसके फ्लावर्स के साथ ये देखिए पूरा मुझको मैचिंग में लगा और बहुत सुंदर। मतलब बॉटम का जो फैब्रिक है ना प्योर लीलन के ऊपर है, आप देख सकते हैं, आपको समझ भी आ रहा होगा, बिल्कुल प्योर लीलन के ऊपर है, समरिश फैब्रिक है। तो बॉटम का फैब्रिक भी मैंने अच्छा लिया है, ये नहीं कि मतलब सिंपल सा मैंने बॉटम लिया इसके ऊपर। और पहनने के बाद तभी इसका ना मतलब बॉटम ने इसके लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है, बहुत सुंदर लग रहा था, आप देख सकते हैं। बॉटम भी बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट लग रही है। इवन आप इसे किसी और के साथ भी कैरी कर सकते हैं, लाइक आप मस्टर्ड कलर की प्लेन कुर्ती या फिर कोई चिकनकारी में कुर्ती बनवा लीजिए, उसके साथ ही प्रिंटेड बॉटम आप कैरी कर सकते हैं, तो आपका मतलब अदर्स पे भी ये यूज़ में आ सकता है। एंड द फोर्थ वन इज़ ये देखिए, ब्यूटीफुल सा कुर्ता है और इसको मैंने बिल्कुल ऊपर से प्लेन बनवाया है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना डिज़ाइनर है तो इसमें कोई हमें नेक वेक की मुझे नीड नहीं लगी बनवाने की। स्लीव्स पर देखिए ये इस तरीके से स्कैल्पिंग है, आप देख सकते हैं, हाफ स्लीव्स मैंने इसकी बनवाई है। और ये जो पूरा आप देख सकते हैं ना कैम्ब्रिक कॉटन के ऊपर, बिल्कुल प्योर कॉटन का फैब्रिक है। और ये पूरा जो आप जाल देख रहे हैं ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है। और ये आप देखिए नीचे भी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, तो देखिए नीचे भी ये पूरा देखिए स्कैल्पिंग है, आप देखिए ये इस तरीके से पूरा ये स्कैल्पिंग है। सो इससे क्या है इसका लुक ना और ज़्यादा अच्छा हो गया है, बहुत सुंदर लगता है ये वाला पहनने के बाद, आपने देखा ही होगा। सो ये वाला भी बहुत अच्छा फैब्रिक है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। सो ऐसा नहीं है गाइस कि कतरन मार्केट्स के सिर्फ मैं वीडियोस कवर करती हूँ, आप लोगों को लगता है मैं खुद भी वहाँ से फैब्रिक परचेज करती हूँ एंड खुद भी अपने लिए अपने आउटफिट बनवाती हूँ, क्योंकि फैब्रिक की क्वालिटी नो डाउट वहाँ पर कंपेयर टू अदर मार्केट्स चीपर है एंड अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इन सब की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है कि मैंने कहाँ कहाँ से परचेज़ किया, तो जो भी आपको पसंद आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा फैब्रिक आपको मतलब कौन सा कुर्ती आपको सबसे अच्छी लगी। और अगर आप जानना चाहते हैं किस शॉप से मैंने खरीदा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो, आपके लाइक्स मतलब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए क्रिएट करने का। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़, क्योंकि एक बार आपको सब्सक्राइब बस एक बार आपको देखिए बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपको धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी वेदर है, कोई भी कंडीशंस है, आपको हमेशा वीडियोस घर बैठे देखने को मिलती रहेंगी, इतने मतलब अच्छी अच्छी वीडियोस। और कमेंट जरूर करा करो, कमेंट्स क्या है कि जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है आपको रिप्लाई करने में, मतलब क्या बोलूँ कि मज़ा आ जाता है कि जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, सो बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए मेरा एक परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरा परिवार, मैं चाहती हूँ मेरा परिवार बहुत बड़ा हो जाए, अच्छे से मतलब हमारी एक फैमिली पूरी क्रिएट हो जाए। सो उसके लिए बस लाइक इन कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप भी हमारी एक फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो चलिए इसका पर आगे ज़्यादा बकवास ना करते हुए आपको दिखाते हैं। सो इसका जो प्लाजो है ये वाला, सो ये मेरे पास पहले से था, मैंने आपको दिखाया था शायद, मैंने अपनी लास्ट जो हॉल किया था, मैंने एक और हॉल किया हुआ है कतरन मार्केट का, अगर आपने चेक नहीं किया तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो उसमें भी हमने बहुत सुंदर सुंदर फैब्रिक से अपने स्टिच करवाए हुए हैं। सो ये प्लाजो भी मैंने कतरन मार्केट से ही लिया था और इस तरीके से प्लाजो की डिज़ाइनिंग है। सो ये वाइट प्लाजो है तो कई सारी कुर्तियों के साथ मैच हो जाता है, तो मैंने इसको इसके साथ टीम अप किया है, तो आप देख सकते हैं इसके साथ इसका लुक बहुत ही सुंदर आया निकल के, क्योंकि डिज़ाइनर प्लाजो एंड डिज़ाइनर कुर्ती हो गई है। जो मैंने ये पहना हुआ है ब्लैक कलर का डिज़ाइनर सा कुर्ता, सो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया ये। सो मैंने ये देखिए कतरन मार्केट से नहीं लिया था, ये मैंने लिया था शिवम डिज़ाइनर फैब्रिक से। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर इनकी दो वीडियो डाली हुई है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप डिज़ाइनर फैब्रिक लेना चाहते हैं तो आप मेरी वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एक मैंने ये वाला लिया था, ये वाला कॉटन फैब्रिक है, प्योर कॉटन का फैब्रिक, आप देख सकते हैं पूरा गोटे के साथ है, मतलब ये आपका डिज़ाइनर लुक में आ जाता है। बैक साइड से आप देख लीजिए पूरा इसमें ऐसे पूरा वर्क करा हुआ है गोटे का एंड ये थ्रेड का पूरा वर्क है, बीच में सीक्वेंस भी है। सो ये वाले फैब्रिक ना आपके डिज़ाइनर लुक देते हैं, इवन आप इन्हें गर्मियों में पार्टी वेयर एज ए पार्टी वेयर भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप ये वाला फैब्रिक की इस टाइप के फैब्रिक आप देखना चाहते हैं तो मेरी आप लास्ट टू वीडियो जाकर शिवम डिज़ाइनर फैब्रिक के नाम से मैंने डाली हुई, आप चेकआउट कर सकते हैं। एक मैंने उनका कवर किया था कॉटन फैब्रिक एंड एक मैंने कवर किया था उनका पार्टी वेयर फैब्रिक। हाँ, सो दोनों वीडियो चैनल पर हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर पार्टी वेयर लेना चाहते हैं, और आप कॉटन में डिज़ाइनर अगर लेना चाहते हैं, अगर आप कुछ डिज़ाइनर पहनना पसंद करते हैं सो आपको ज़रूर जाके वीडियो चेक करनी चाहिए। और सो देखिए इसको मैंने डिज़ाइन करवाया कुछ इस तरीके से, देखिए
इसके स्लीव्स मैंने इस तरीके से बनवाई हैं, ये नीचे ऐसे कफ बनवा के फिर यहाँ पर मैंने प्लेटिंग कराई है, एंड ऊपर भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ऊपर भी मैंने इस तरीके से इसमें प्लेटिंग कराई है। और अगर नेक की बात करूँ तो मैंने इसको, ये देखिए बॉट नेक मैंने इसको बनवाया है इस तरीके से, और चिकनकारी का मैंने इसमें प्लाजो यूज़ किया है। सो बहुत डिज़ाइनर है, बहुत सुंदर फैब्रिक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से अभी भी इस टाइप के, उनके पास ना काफ़ी सारे फैब्रिक अवेलेबल है, मतलब अलग, जैसे ये वाला ब्लैक वाला मुझे पसंद आया तो मैंने ब्लैक लिया था। इसके अलावा आपको अलग अलग प्रिंट्स मिल जाएंगे इसी टाइप के फैब्रिक में, लाइक गोटे वर्क के साथ अलग अलग प्रिंट्स, डिज़ाइन बहुत सुंदर सुंदर है, तो आप जाके देख लीजिए। सो बस थैंक यू गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इतने डिज़ाइनर फैब्रिक घर बैठे मंगवा सके। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए, मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करिए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं उस चीज़ को आगे से इम्प्रूव कर पाऊँ और आपके अकॉर्डिंग में वीडियो बना पाऊँ। बाकी आप किस मार्केट को कवर करवाना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो चलिए कीप कमेंटिंग, स्टे इन टच, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।